हेलो दोस्तों, मैं नहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये करंट के टॉपिक में जो है बजट 2020 और 21 का, ठीक इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों को देखेंगे हम जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। बजट बजट क्या है दोस्तों कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अब बात करते हैं कि जो बजट है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट का उल्लेख है। ठीक, संविधान में, तो संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट का उल्लेख है संविधान में। ठीक, अब बात करते हैं हम जो बजट है दोस्तों, बजट क्या है, तो लॉटिक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, क्या है दोस्तों, बजट लॉटिक भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। ठीक, तो बजट क्या है, लॉटिक भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, तो भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, तो 1960 में यह पहला बजट पेश किया गया। तो 1960 में भारत में पहला बजट पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन के द्वारा यह पेश किया गया था। उसके बाद आते हैं, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको हमने भी बताया कि भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा 1960 में। इन्हीं को ही भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसे, तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं, भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो वित्त वर्ष के रूप में शुरुआत हुई। ठीक है, तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1867 में। ठीक, तो वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी, और वित्त वर्ष कब से लेकर के कब तक कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्त वर्ष कहा जाता है। और बात करते हैं इससे पहले 1960 में, ठीक इससे पहले 1960 में 1 मई से लेकर के 31 अप्रैल तक वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता था, पर वर्तमान में क्या है जो चल रहा है, वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो हमने बजट से संबंधित बेसिक जानकारी हमने देखी, क्या देखा दोस्तों कि संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, और वह बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। उसके बाद हमने देखा कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, 1960 में, किसके द्वारा पेश किया गया, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, और भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है। और बात करते हैं, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। ठीक, बात करते हैं इससे पहले जो वित्त वर्ष होता था वह 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक होता था 1960 के समय में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को। अब बात करते हैं दोस्तों, 2020 और 21 का बजट किसने पेश किया, तो 2020 और 21 का बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा 2020 और 21 का बजट पेश किया गया संसद में। ठीक है, और लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी, कौन, तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण है जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो
निर्मला सीतारमण जी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास का, ठीक, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण किसका रहा, तो निर्मला सीतारमण जी का रहा, जो 2 घंटे 40 मिनट का रहा, ठीक है। और इनसे पहले जसवंत सिंह का रहा रिकॉर्ड, उनका कितना था, तो 2 घंटे 13 मिनट, ठीक है। जसवंत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने, निर्मला सीतारमण जी ने, जो 2 घंटे 13 मिनट का था। और निर्मला सीतारमण जी का कितना था, तो 2 घंटे 40 मिनट का था, तो जसवंत सिंह का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। उसके बाद बात करते हैं हम बजट 2020 और 21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको याद रखना है कि बजट 2020 और 21 के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, ठीक। कितनी है, तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, 2020 और 21 के बजट के तहत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बजट 2020 और 21, बजट 2020 और 21 के तहत आय का कितना टैक्स निर्धारित किया गया है, ठीक है, इनकम अर्थात आय का कितना टैक्स निर्धारित किया गया है, तो देखते हैं दोस्तों जो 5 लाख से कम आय है, जिन व्यक्तियों की 5 लाख से कम आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अर्थात 0%, ठीक है, कोई टैक्स नहीं। और 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक जिनकी आय है उन्हें 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख जिनकी आय है उन्हें 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है दोस्तों उन्हें 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और 12.5 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख तक, ठीक, आय पर कितना टैक्स, 25% टैक्स, ठीक, और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति के लिए 10%, और 7.5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक के आय वाले के लिए 15% टैक्स, और 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख रुपए तक के आय वाले के लिए 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक के आय वालों के लिए 25% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से अधिक आय वाले के लिए 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक, कितना परसेंट, 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे आज के बजट के संबंधित जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो हमने देखा कि बजट 2020 और 21 का किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, ठीक, कब पेश किया, तो 1 फरवरी 2020 को। तो आज के लिए इतना ही, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, थैंक यू दोस्तों।